ये लीजिए FIR पे साइन कर दीजिए। You idiot, तुम्हें क्या लगता है तुम्हारी FIR से मैं डर जाऊंगी? I'm not going to be scared of your stupid FIR and you. तुम मेरा कुछ नहीं कर सकती प्राची। Idiot तुम हो रही हो। तुम्हें समझ में नहीं आ रहा तुम्हारे साथ क्या होने वाला है। जो तुमने किया है वो एक्सीडेंट नहीं है, इट्स एन अटेम्प्ट टू मर्डर। इट डजंट मैटर, कोई भी चार्जेस हो मेरे डैड मुझे यहाँ से निकाल के ले जाएंगे। तुम और ये तुम्हारा पुलिस इंस्पेक्टर मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकते। Just mind that. और तुम नहीं जानती कि ये पुलिस क्या कर सकती है। तुम जैसों को मैंने बिना जेल में भेजे सुधारा है, पर तुम्हें तो जेल होनी चाहिए। Listen, Inspector, you're doing a big mistake. तुम गलती कर रहे हो। मुझे जाने दो घर। कहीं नहीं जाओगी तुम। प्राची ने FIR साइन कर दी है और हमारे पास आई विटनेस भी है। यहाँ से सीधा जेल। तुम जैसे लोग जेल में ही सुधरते हो। जेल में पहले दिन ही तुम्हारी सारी अकड़ निकल जाएगी और दूसरे दिन अपने किए पर अफसोस होगा, पर तब तक बहुत देर हो चुकी होगी। तुम्हें उसी अफसोस के साथ पूरी जिंदगी जेल में काटनी होगी। ना घर, ना फैमिली, ना कोई दोस्त यार, ना एसी, ना बेड। एक ही सेल में 20-25 औरतों के साथ रहना पड़ेगा। वहां काम करना पड़ेगा, फिर जाके तुम्हें खाना मिलेगा, और खाना भी ऐसा कि खाने से नफरत हो। वो कहते हैं ना कि दुनिया में ऐसी बहुत सी जगह है जिसे हम स्वर्ग कहते हैं, बट नर्क सिर्फ एक जेल। सजा काट के जब बाहर आओगी ना, तो अपने आप को नहीं पहचानोगी तू। कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए इसे। जब नर्क भोगेगी ना, तभी इसे दूसरों की जिंदगी की कदर करना सीखेगी। जेल में इसकी लाइफ पूरी तरह से बर्बाद हो जाएगी, पर ये है ही इसी लायक। गलती करती तो शायद माफ भी करती थी, पर इसने खुद बोला है कि इसने जानबूझकर टक्कर मारी है। नहीं, सजा तो इसे मिलनी ही चाहिए। देखो इंस्पेक्टर, मुझे जाने दो। आई नो तुम्हें भी पैसे ही चाहिए और मेरे डैड तुम्हें बहुत सारे पैसे देंगे। जस्ट लेट मी गो। बस, अब एक और वर्ड बोला ना तो पुलिस वाले को रिश्वत देने का चार्ज भी लगा दूंगा। फिर सड़ती रहना पूरी जिंदगी जेल में। अब तुम्हें कोई नहीं बचा सकता। ऐसा चार्ज लगाऊंगा कि सुप्रीम कोर्ट भी इसे बचा नहीं पाएगा। माँ, आप यहाँ क्या कर रही हैं? आप तो हॉस्पिटल में। बहन जी, यही है वो लड़की जिसने आप पर गाड़ी चलाई थी। कोर्ट में ऐसे चार्जेस लगाऊंगा कि सुप्रीम कोर्ट भी इसे बचा नहीं पाएगा। माँ, आप यहाँ क्यों आई? आपको नहीं आना चाहिए था। इंस्पेक्टर साहब, आप इसे छोड़ दीजिए। इसने कुछ नहीं किया। आपने शायद सुना नहीं, ये वही लड़की है जिसने अपनी कार से आपका एक्सीडेंट किया। एक्सीडेंट किया नहीं, एक्सीडेंट हुआ था इंस्पेक्टर साहब। इसकी गलती नहीं है, मैं खुद बिना देखे सड़क क्रॉस कर रही थी। इसने कुछ नहीं किया, शी इज इनोसेंट। इसे छोड़ दीजिए। आप क्या बोल रही है माँ? इसने अपनी गाड़ी से आपको टक्कर मारी, वहाँ बहुत लोगों ने देखा है। बेटा, लेकिन सबने देखा इसका मतलब ये तो नहीं कि वही सच। मैं ये नहीं बोल रही कि तुम झूठ बोल रही हो या कोई और झूठ बोल रहा है। मैं बस ये बोल रही हूँ कि नजरिए का फर्क है और मेरा नजरिया अभी तक किसी ने नहीं देखा। क्राइम क्राइम होता है मैम, वो आप देखे या मैं, वो बदलता नहीं। नजरिए का फर्क तो है ना इंस्पेक्टर साहब। अब मैं अपने हाथ में 6 लिखूंगी, आपको 9 नजर आएगा। मैं बस यही कह रही हूँ कि मेरा नजरिया किसी ने नहीं देखा। इसकी कोई गलती नहीं है। नहीं माँ, इसकी गलती है, सारी गलती इसकी है। ये मार्केट प्लेस पे तेज गाड़ी चला रही थी और इसने ये जानबूझ के किया है। इसने खुद मुझसे कहा है कि वो आपसे मेरी माँ होने का बदला ले रही थी।
दासी ये लीजिए पानी पीजिए। आप टेंशन मत लीजिए, अभी मेरी बात हो चुकी है अभी से, उन्होंने कहा वो पुलिस स्टेशन पहुंच गए और रिया को लेके ही आएंगे। अब बिल्कुल मत डरना, सब ठीक हो जाएगा। हाँ मत रोइए ना प्लीज। दासी क्या हुआ, आप रो क्यों रही हो? व्हाट हैज हैपेंड मीरा? अरे कुछ कर, रिया को घर लेके आ। मैं ले आऊंगी, बच्ची तो नहीं है, बट कहाँ गई, कहाँ पर है वो? उसे पुलिस ने अरेस्ट कर लिया बेटा। What? किसी एक्सीडेंट के केस में। कब हुआ ये सब कुछ? यही कोई 2 घंटे पहले मैंने न्यूज में देखा और तभी मैंने अभी को इन्फॉर्म कर दिया। 2 घंटे पहले? तुम्हारा दिमाग तो खराब नहीं हो गया मीरा? 2 घंटे पहले रिया अरेस्ट हुई, तुम मुझे आप ही बता रही हो? मां मैं रिक्शा लेके आ रही हूं। पर यहां से क्यों? मतलब हम बैक साइड से क्यों जा रहे हैं? मेरे नाम की ना FIR हुई है, ना मैं किसी बात के लिए अक्यूज्ड हूँ, तो मैं चुपके क्यों जा रही हूँ? क्योंकि लाइफ इज अनफेयर। उस तरफ मीडिया होगी और वो तुम्हारा सच नहीं सुनना चाहते, वो तुमसे अजीब अजीब सवाल करेंगे और तुम जवाब दोगे उसको तोड़ मरोड़ के, यही दिखाएंगे कि क्योंकि तुम बड़े घर की लड़की हो और तुम्हारे पापा एक बिजनेसमैन है तो उन्होंने अपने पैसों की दबाव से तुम्हें छुड़ा लिया। रिया सैडली उन्हें सच नहीं जानना, उन्हें तो बस कहानियां बनानी, उन्हें TRP चाहिए। मैं बस तुम्हें और तुम्हारी फैमिली को इस मुसीबत से बचाना चाहता हूँ। पर आपने मेरे लिए इतना स्ट्रेस क्यों लिया? आप मेरे को बचाने के लिए जेल चली गई, आप सब जानती थी कि वो एक्सीडेंट मैंने किया है और धोखे से नहीं हुआ था, मैंने जानबूझ के किया था। तब भी क्योंकि मैं माँ हूँ, माँ हूँ इसलिए समझती हूँ। एक अच्छे घर की लड़की अगर लॉकअप में रहे, पुलिस स्टेशन में रहे, तो फैमिली पर क्या गुजरती? मैं जो प्राची के लिए करती वही तुम्हारे लिए किया। बस यही वजह थी? और भी वजह थी। दूसरी वजह ये कि मुझे पता है कि ये सब कुछ तुमने गुस्से में किया, बिल्कुल दिमाग से काम नहीं लिया, जो कि बहुत गलत है। उसके लिए तुम्हें सजा नहीं, तुम्हें सबक मिलना चाहिए। और तुम्हें देखकर किसी की याद आ गई, तुम्हारे जैसे गुस्से में कोई भी फैसला कर लेते हैं और फिर बाद में पछताते हैं। बहुत करीब से जानती थी और तुम्हारी माँ के लिए किया। मैं नहीं चाहती थी कि जब प्राची लॉकअप में थी मुझ पर जो गुजरी वो तकलीफ से वो गुजरती, इसीलिए। मेरी कोई माँ नहीं है। I'm sorry. तुम यही समझ लेना कि इसीलिए भगवान ने मुझे भेज दिया कि मुसीबत में तो माँ ही काम आती है ना, तो बस मैं तुम्हारी मदद करने आ गई। माँ नहीं है तो क्या हुआ, मैं हूं ना। और माँ समझ के मेरी एक सीख याद रखना कि ऐसे बिना सोचे समझे कोई भी काम नहीं करना। माँ जल्दी चलो वरना आप मीडिया वाले यहाँ भी आ जाएंगे, रिक्शा आ गया है। इंस्पेक्टर मैं रिया से मिलना चाहता हूँ, शी इज माय डॉटर। वो तो पीछे के दरवाजे से निकल गई, अब तक तो वो घर भी पहुंच चुकी होगी। घर पहुंच चुकी होगी मतलब उसने कुछ नहीं किया, शी इज इनोसेंट। थैंक यू। आपकी बेटी इनोसेंट नहीं है, उसने एक्सीडेंट किया, वो भी जानबूझकर। वो प्राची से बदला लेना चाहती थी, इसीलिए उसने अपनी कार से उसे मार डालने की कोशिश की। पर वो कहते हैं ना, छोटे लोगों के दिल बहुत बड़े होते हैं। प्राची की माँ ने वो किया है जो सिर्फ एक माँ अपनी औलाद के लिए करती है। उन्होंने अपने एक्सीडेंट की FIR वापस ले ली और रिया को छुड़वा दिया। मुझे कहना तो नहीं चाहिए, लेकिन अगर प्राची की माँ की तरह रिया की माँ होती तो आज वो ऐसी नहीं होती।
खैर आपकी बेटी रिहा तो हो गई है लेकिन अभी तक वो निर्दोष साबित नहीं हुई है। आपको पता है मतलब वो पुलिस स्टेशन आई और पुलिस ने उनको ही पकड़ लिया। Can you believe that? But पता है दादी लॉकअप में जाने के बाद भी वो उसको धमकी दे रही थी कि रिया को हाथ मत लगाना। I mean, मैंने उनकी बेटी के साथ उनको पता है कि प्राची के साथ मैंने जो भी किया मेरे उसके प्रॉब्लम्स कैसे भी हैं, बट तब भी उन्होंने मेरा साइड लिया। It's just so amazing. I mean, कौन करता है आप बताओ? अगर आपको पता होता कि मैंने इतना सब कुछ किया आप उसका साइड लेती नहीं ना, but she did that all for me. Can you believe that? अब मुझे समझ में आया उस प्राची की बच्ची में इतनी हिम्मत कहाँ से आई। अब मामे इतने गलत से तो प्राची में थोड़े बहुत तो आएंगे ना, you know ना? Yeah, so sweet of her. इतना कुछ किया उन्होंने आपके लिए। I wish I could thank her. This is nothing. आपको पता है that प्राची doesn't deserve her. उनको प्राची की नहीं उनको मेरी मॉम होना चाहिए था, सिर्फ रिया की मॉम। कितना अमेजिंग हो जाता। दादी दादी अरे सब लोग यहीं पर, अभी आ गया है। मूड कैसा है उसका? अरे बहुत गुस्से में है और रिया को पूछ रहा है वो। वो गुस्से में नहीं होंगे, वो बस थोड़ी सी टेंशन में होंगे। नहीं नहीं गुस्से में है। ठीक है कोई बात नहीं, तुम बाहर जाकर माफी मांग लेना, वैसे भी तुम्हें लेकर बहुत बहुत अपसेट है वो। चलो अभी चलो। हाँ चलो। मीरा मैंने पहले गुस्से में बहुत कुछ कह दिया। आई शुड हैव सेड ऑल दैट, आई एम सॉरी, बट आई डू नो कि रिया की तुमसे ज्यादा अच्छी देखभाल कोई नहीं कर सकता। आई नो यू केयर अबाउट। अभी छोड़ना यार, बच्ची हो जाता है कभी कभी। That's exactly what I'm saying. अगर बच्ची होती ना छोड़ देता, लेकिन वो बड़ी हो गई है, उसे पता चलना चाहिए कि वो क्या कर रही है। अभी तो थोड़ा शांत हो जाए, इतना मत डांट देना कि वो डर जाए। अरे किसी चीज से नहीं डरती वो, इसी बात को तो डर है मुझे। पता है इंसान को हर चीज करने की आजादी तब मिलनी चाहिए जब उसे सही गलत की समझ हो, और वही मुझे समझाना है। जानती हो ना मैं तुमसे कितना प्यार करता हूं, तुम जानती हो ना कि बचपन से लेकर अब तक मैंने तुम्हारी हर फरमाइश पूरी की, तुमने जो मांगा तुम्हें दिया, तुम्हें इतनी लिबर्टी दी कि तुम अपनी लाइफ अपने तरीके से जी सको, ठीक है? नहीं तो किसी की जिंदगी के साथ खिलवाड़ करना, ये हक तुम्हें किसने दिया? क्यों किया तुमने ऐसा? टेल मी। डांट रहे हो? हाँ हाँ मैं वो कर रहा हूं जो मुझे बहुत पहले कर देना चाहिए था। मुझे नहीं पता था कि हमारा लाड प्यार तुम्हें इतना बिगाड़ देगा कि एक दिन तुम किसी का एक्सीडेंट कर दोगी। अभी प्लीज, रिया से गलती हुई है, शी मेड अ मिस्टेक। गलती होती ना तो मैं सुधार लेता, लेकिन इसने जो कुछ भी किया जानबूझकर किया, गुस्से में किया। शी न्यू व्हाट शी वाज डूइंग। मैंने कुछ नहीं किया, वो प्राची की मॉम। वाह जो हुआ ना मुझे सब पता है रिया। आर यू लाइंग टू मी? क्या तुम अपने डैड से झूठ बोल रही हो? रिया हाउ आर यू बेटा, आर यू ओके? यस शी इज फाइन, शी इज सुपर फाइन। और जिसकी वजह से आज ये हमारे सामने खड़ी है ना, इसने उसी का जान बूझ के एक्सीडेंट कर दिया। आई थिंक यू आर ओवर रिएक्टिंग। इस उम्र में ये गलतियां हो जाती हैं, इट्स नॉट अ बिग डील। इट इज अ बिग डील आलिया, और इसमें गलती तुम्हारी भी है। बचपन से लेकर अब तक तुम इसकी हर गलती पर पर्दा डालती आई हो। यू ऑलवेज सपोर्टेड हर इन हर रॉन्ग डूइंग्स आलिया। मैं नहीं कह रहा कि तुमने गलत कामों में इसका साथ दिया है, लेकिन यू ऑलवेज एनकरेज आया, ऑलवेज। अब छोड़ पुत्र, जब बोलना था तब तो बोला नहीं, अब बोलकर क्या फायदा? शुक्र मना वो घर आ गई है, बाकी बातों में मिट्टी पा। नहीं दासी आज जाने दिया ना तो ये दोबारा होगा, और ऐसा ना हो इसलिए मुझे इसे सुधारना ही होगा, और ऐसा ना हो ना तो मुझे करना होगा। आपको सर मेरी गलती दिख रही है। You have no idea what Prachi did to me. मुझे जाना भी नहीं है, मैं बस इतना जानता हूँ कि प्राची में जो है ना वो सही गलत की समझ, उसे तुम्हारे साथ जो कुछ भी किया होगा ना सही किया है। What are you saying भाई? आप किसी पराई लड़की के लिए अपनी बेटी को डांट रहे हैं? मैं अपनी बेटी के साथ वो कर रहा हूँ जो मुझे करना चाहिए, वो जो तुम्हें भी करना चाहिए था लेकिन तुमने नहीं किया, इसलिए आप
हमारे बीच में तुम ना ही बोलो तो अच्छा होगा आलिया। और इसमें गलती मेरी भी है ना, मैंने भी इसे खराब किया है, सिर्फ इतना पैम्पर किया कि, लेकिन अभी भी देर नहीं हुई ना। मैं इंसान सुधारना नहीं जानता, लेकिन गलतियां सुधारना आता है मुझे, और मैं वही करूंगा। करने क्या वाला है अभी? कल रिया और मैं प्राची के घर जाएंगे। हवे में मत उड़ा अगर मैं कुछ बोलूं तो। इससे अच्छी कॉफी मैंने अपनी जिंदगी में कभी नहीं पी। थैंक यू। तेरा पति तो 10-12 कप कॉफी के पी लेता होगा, तेरे हाथ की कॉफी है इतनी स्वाद। आपने मुझे गिरने से बचाया। मैंने अपनी कॉफी को गिरने से बचाया। क्या हुआ था, तुम लोग अलग क्यों हो गए? बनती नहीं थी क्या? शादी से पहले नहीं बनती थी, शादी के बाद बनने लगी तो। देखा, यही होता है जब किसी की तारीफ कर दो तो। इसीलिए मैं किसी की तारीफ नहीं करती। अरे लेकिन वो बैल अचानक बजी इसलिए सॉरी। डैड डोर बेल तो बज रही है, बट आई थिंक घर पे कोई है नहीं। लेट्स गो। वेट। लो, इसके घर में आग लगी है जो इधर पानी लेने आया, और अब बेल तोड़ेगा क्या? आप प्लीज यहाँ से मत चिल्लाइए, मैं देखती हूँ। आ रही हूँ, आ रही हूँ। अरे आ रही हूँ बाबा, एक मिनट। कौन है? अपने रूठे तो खुदा भी रूठे साथ टूटे ना, रूठे तो खुदा भी रूठे साथ छूटे ना। कमाल है, ऐसा भी क्या सो रहे कि उठने का नाम ही नहीं ले रहे। प्राची तो उठी गई होगी ना कॉलेज जाने के लिए। डैड मुझे लगता है उसे कॉलेज भी नहीं जाना, तो आई थिंक दिन ही खराब है, तो लेट्स गो, बाद में आते। I'm sorry, ma'am. वो बाहर मेरा एक बाइक से एक्सीडेंट हो गया था। फोन भी गिर गया तो काम नहीं कर रहा। आप अपना मोबाइल देंगे तो मैं अपनी वाइफ से बात कर लूँ। हाँ हाँ, एक मिनट। ठीक है, ठीक है जी, मैं पानी लेकर आती हूँ। थैंक यू मैम। हाउस नंबर 411 ये? हाँ यही है। प्राची यहाँ पर रहती? प्राची और सना वो एक गली छोड़कर सरिता बहन के घर हाउस नंबर 114 में रहती है। अभी वो नए नए आए हैं। ओह, 114। थैंक यू, सॉरी आपको डिस्टर्ब किया, वो शायद एड्रेस लिखने में गलती हो गई होगी। हाँ, एक गली छोड़ के। थैंक यू। हाँ सुना मैंने। हाँ, टोटल 6 और 6 इज माय अनलकी नंबर। डैड, थैंक यू मैम। आप फोन नहीं देते तो वो परेशान हो जाती। नहीं, इट्स ऑल राइट, ध्यान रखिए। थैंक यू। भाई को प्राची के घर का एड्रेस तुमने दिया? हाँ। क्यों? जब भाई ने रिया से प्राची की मॉम को माफी मांगने के लिए कहा था, मुझे लगा था कि उन्होंने गुस्से में कहा, गुस्से में वो भूल भी जाएंगे, लेकिन तुम्हें उन्हें याद दिलाने की क्या जरूरत थी? क्यों, माफी मांगने में क्या प्रॉब्लम है? क्योंकि रिया को नहीं मांगनी, उसने गलती नहीं की है, तो वो माफी क्यों मांगे? तुम रिया की बात मत सुनो, जो अभी ने कहा था उस पर ध्यान दो।
और अभी ने साफ साफ कहा था कि वो माफी मांगेगी। मेरी तो कभी तुम सुनती हो नहीं, कम से कम अपने भाई की तो सुनो। क्या मतलब है तुम्हारा? देखो आलिया, तुम रिया को बिगाड़ रही हो। मैंने तुम्हें कितनी बार कहा है कि उसे गलत कामों में एंकरेज मत किया करो, लेकिन तुम तो मेरी सुनती नहीं। और अभी ने भी वही बात की, कम से कम उसकी तो सुन लो। मैं रिया को बहुत प्यार करती हूँ, मेरी भतीजी है, तो तुम मुझे ये मत बताओ कि मैं उसे बिगाड़ रही हूँ। रियली तुम उससे प्यार करती हो तो तुम्हें उसका सही गलत समझ क्यों नहीं आता? रिया के एक्सीडेंट करने में तुम्हें उसकी गलती नहीं दिखाई देती, और जब माफी मांगने को कहा तो तुम कहती हो कि वो मना कर रही है। यू नो व्हाट आलिया, तुम रिया से वो सब करवाती हो जो तुम्हें पसंद है, और जब तुम्हें सही गलत की समझ नहीं है तो तुम उसे क्या समझाओगे? डार, मैंने प्राची की मॉम प्राची से माफी मांग ली है जैसे आपने कहा था, सो शैल वी चलें अब प्लीज, मुझे कॉलेज के लिए लेट हो रहा है। 1 second रिया, होल्ड ऑन। इसने माफी मांग लिया? देखो, जो हुआ वो नहीं होना चाहिए था। रिया की तरफ से मैं भी तुमसे माफी मांगता हूँ, और मैं चाहता हूँ कि तुम दोनों गले मिलके एक बार। वो चली गई है। और मेरी तरफ से अपनी मॉम को सॉरी बोलना। मैं पर्सनली आकर उन्हें सॉरी बोलूंगा, ठीक है? जी। कॉफी के लिए शुक्रिया। जय श्री कृष्णा। आई गेट गोइंग। फोन करना कोई काम होगा तो। जी बिल्कुल। ये तो इनकी आवाज है। मैं तुम्हें यहाँ किस काम के लिए लेकर आया और तुम कर क्या रही हो? सॉरी बोलने के बाद भी इतना रूड बिहेवियर। मेहरबानी करिए उन लोगों पे यहाँ पर रखे। मैं वहां प्राची से बात कर रहा था, सब कुछ खत्म करने की कोशिश कर रहा था, और तुम क्यों आई तुम वहां से? डैड, आई एग्जैक्टली डिड व्हाट यू आस्क्ड फॉर। मैंने सब खत्म कर दिया, आप मुझे फोर्सफुली यहाँ पे लेके आए, और आप उनसे बार बार माफी मांग रहे हो, मुझसे बार बार माफी मांगने के लिए बोल रहे हो। आई एम सॉरी, आई कांट डू इट। यू विल हैव टू। अब तुम यहाँ से तब जाओगी जब तुम प्राची की माँ से माफी मांगोगी। ऑलराइट, कम ऑन, कम ऑन। वो रिया के साथ उसके फादर आए थे या कोई और? हाँ, उसके पापा ही थे। That is sorting. Come on. That is sorting. मैं ठीक हूँ। Riya, are you okay? Show me. I said, show me your hand. Dad, I'll say sorry tomorrow. Please, let's go right now. Come on, let's go. मैं अभी आती हूँ। आराम से। रूठे तो खुदा भी रूठे साथ छूटे ना। क्या वाकई वही थे? प्राची और शहाना से पूछती हूँ रिया के फादर के बारे में। गलत हो जाएगा तो बता देना यार, कर लेगा। Just focus and punch. Spot and punch. ठीक है? आजा। Let's do this. Focus and punch. Spot and punch. Come on. You can do this. Yeah. You can do better. You can do better. क्या कर रहा है तू? जोर से मारना। Come here. Sorry यार। नहीं नहीं ठीक है छोड़, तुझसे कोई लगी तू सही बोल रहा, देर से नहीं होगा, छोड़। I'm really sorry यार, मैं तुझे बोला था मुझे ये सब नहीं आता है। It's my fault. मेरी गलती है। ला।
कैसा तू? मैं एकदम बढ़िया यार. That was tough man. तो बकवास खेलता है यार तू. अरे यार मैंने बोला था मुझे नहीं आती है यार. और by the way ये यार बहुत गलत है. मतलब बॉक्सिंग में भी तू चैंपियन, फुटबॉल में भी तू चैंपियन, और म्यूजिक भी आता है, गाने भी गा लेता है. मतलब कुछ तो छोड़ मेरे लिए. तुझे पता दो तीन टैलेंट और है मेरे पास, पर मैं उन पर कभी काम नहीं करता. तू है ना एक काम कर, वो टैलेंट मुझे दे दे. अबे कुछ तो करने दे लाइफ में जिससे लड़कियां मुझ पर मरे. अबे तू एक काम कर, मुझे ना गिटार बजाना सिखा दे. अबे गिटार वाले को तो लड़कियां ऐसे ही मरती है यार. वो सब छोड़, कितनी गर्लफ्रेंड है तेरी आजकल? यार गर्लफ्रेंड कोई गर्लफ्रेंड नहीं है यार. एक भी नहीं है? नहीं. क्या बात कर रहा है? अबे तू तो मार्केट में मेरी इज्जत डुबा देगा सारी. लोग क्या बोलेंगे? रणवीर का भाई वो भी सिंगल. हाँ तो ठीक है ना, बोल देना सगा भाई नहीं है, फिर कोई कुछ नहीं बोलेगा. अबे ओ ये सगा क्या होता है? भाई भाई होता है, समझ में आया?